सुमुल ने क्या शुरू कर दी है नए प्रोजेक्ट की शूटिंग? क्या कुछ उनके पापा ऐसा कहते हुए नजर आए हैं? क्या उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की है जिसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि सुम्बुल तौकीर खान ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए शूट करना शुरू कर दिया है? पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे यहाँ पर फिल्म विंडो पर। आपके साथ मैं हूँ दीपिका भटनागर। सुम्बुल तौकीर खान अपने नए प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग शुरू कर चुकी है। ऐसी खबरें क्यों इस वक्त तेजी पकड़ रही है? देखिए, वैसे तो सुम्बुल ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अभी कुछ वक्त के लिए पापा चाहते हैं कि मैं काम से दूर रहूं, क्योंकि मैं बहुत वक्त से घर से बाहर थी, इसीलिए पापा अभी ऐसा चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, उनके पापा तौकीर खान जी ने जो पोस्ट किया है उसके जरिए ऐसा लग रहा है कि सुम्बुल अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू कर चुकी है। उनके पापा ने एक पोस्ट किया है जिसमें वो ऐसा कह रहे हैं कि पिछले 4 महीने के उतार चढ़ाव को छोड़कर अब आगे बढ़ते हैं। दिल को सुकून, आंखों को तस्कीन दे, ऐसे कुछ सपने बुनते हैं। बीता हुआ जो भी अच्छा था वो साथ रख लिया, बुरे को भूलते हैं। आप सबकी दुआओं और प्यार के साथ नई मंजिल की तरफ चलते हैं। जी हाँ, ऐसा उनके पापा कहते हुए दिख रहे हैं। एक पोस्ट उन्होंने किया है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद से अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने ये पोस्ट किया, और जिसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सुम्बुल जो है वो अपने नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुकी हैं, और इसीलिए उनके पापा ने ऐसा पोस्ट किया है। सुम्बुल के खाते में कई सारे प्रोजेक्ट्स थे, कई सारे ऑफर्स थे, ये खबरें आ भी रही थी, और ये उनके पापा ने भी एक्सेप्ट किया था कि इतने प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं बता दूंगा तो धमाका हो जाएगा। अब कौन से प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम शुरू किया है, कौन से प्रोजेक्ट पर नहीं किया है, क्या कुछ कर रही है सुम्बुल, ये तो खैर अभी नहीं पता चला है। लेकिन उनके पापा की पोस्ट से ये बात काफी हद तक क्लियर लग रही है कि सुम्बुल ने काम शुरू कर दिया है नए प्रोजेक्ट पर। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? किस तरह की अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं सुम्बुल अब ग्रैब करें? कैसे रोल में देखना चाहते हैं, या किस तरह के रियलिटी शो में देखना चाहते हैं? अपने कमेंट के जरिए बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।